संपूर्ण जगत के नाथ प्रभु नहीं महाप्रभु जगन्नाथ। 2022 पूरी रथ यात्रा के दौरान घटी 5 घटनाएं जो सूचना देती है कलयुग के अंत का एवं कल्कि अवतार के प्रकट होने का। पहली घटना, जगन्नाथ मंदिर का निर्माण राजा इंद्रद्युम्न जी ने किया था एवं राजा इंद्रद्युम्न जी के पत्नी थे रानी गुंडिचा। निर्माण से पहले नारद मुनि के उपदेश अनुसार राजा इंद्रद्युम्न जी ने सहस्र अश्वमेध यज्ञ किया था, जिसके बाद विश्वकर्मा जी ने महाप्रभु जगन्नाथ, बड़े भैया बलभद्र, माता सुभद्रा एवं सुदर्शन जी के दारु विग्रह अर्थ लकड़ी के मूर्ति का निर्माण किया था। आज का गुंडीचा मंदिर वही स्थान है। जगन्नाथ मंदिर प्रतिष्ठा के बाद महाप्रभु जगन्नाथ जी ने महारानी गुंडीचा जी को वर मांगने के लिए कहा था। महारानी गुंडीचा जी ने यह वर मांगा था कि हर साल एक बार आपको अपने जन्म स्थान जरूर आना होगा। महाप्रभु जगन्नाथ जी ने तथास्तु किया और तब से लेके आज तक हर साल रथ पर विराजमान होकर आषाढ़ शुक्ल द्वितीया तिथि पर रत्न सिंहासन छोड़कर अपने जन्म सिंहासन माँ गुंडिचा जी के यहाँ अवश्य जाते हैं। इतिहास में पहली बार 2022 के रथ यात्रा के दौरान माँ गुंडिचा जी के मंदिर के रसोई घर में चूल्हों को तोड़ दिया गया। और आश्चर्य की बात यह है कि सरकार प्रशासन इस घटना को दबाने की कोशिश कर रहा है, इससे लज्जाजनक घटना और क्या हो सकती है। दूसरी घटना, त्रेतायुग में भगवान श्री राम ने माता कैकेयी जी को वचन दिया था कि आपका और मेरा संबंध जन्मों जन्मों का है। द्वापर में आप होंगी माता यशोमती, मैं बनूंगा आपका कान्हा। कलयुग में मैं बनूंगा परम ब्रह्म जगन्नाथ एवं आप होंगी मेरे मौसी माँ। पुरातन काल में जगन्नाथ मंदिर एवं गुंडिचा मंदिर के बीच में एक नदी बहती थी, इसीलिए 6 रथों का निर्माण किया जाता था। 3 रथ पर बैठकर भगवान नदी के एक तट पर पहुंचते थे, फिर नौका पर बैठकर नदी पार करते थे, फिर नदी के दूसरे तट पर मौजूद और 3 रथ पर बैठकर गुंडिचा मंदिर जाते थे। 3 रथ जब नदी के तट तक पहुंच जाते थे तो वहीं पर स्थित उनके मौसी माँ के मंदिर पर पोड़ो पीठा का सेवन करते थे। आज वो नदी तो नहीं है, परंतु जगन्नाथ जी के मौसी माँ अवश्य हैं। आज भी रथ मौसी माँ मंदिर के सामने रुकता है पोड़ो पीठा का सेवन करने के लिए। इतिहास में पहली बार 2022 के रथ यात्रा के दौरान मौसी माँ मंदिर के पारिवारिक सेवकों के बीच हुआ भयंकर झगड़ा, मारपीट, और तो और पोड़ो पीठा भी इस झगड़े में नीचे गिर गया। अति लज्जाजनक परिस्थिति है साथियों। तीसरी घटना, 2022 के रथ यात्रा के दौरान इतिहास में पहली बार रथ के ऊपर बिजली कड़कती हुई नजर आई, मानो महाप्रभु जगन्नाथ यह सूचना देना चाहते हैं कि हे कली ग्रासित मनुष्य, विनाश के लिए प्रस्तुत रहना। चौथी घटना, 2022 के रथ यात्रा के एक जवान ने एक नारी के साथ दुर्व्यवहार करते हुए नजर आया, वो भी ठीक जगन्नाथ जी के सामने। इससे बड़ा शर्मनाक घटना और क्या हो सकती है साथियों। पांचवी घटना, रविवार को महाप्रभु जी को सोने के आभूषणों से सजाया गया था, परंतु महाप्रभु जगन्नाथ जी के सेवक ने यह कहा कि जगन्नाथ जी ने टूटा हुआ मुकुट पहना है और उनके कई और आभूषण उन्हें नहीं पहनाया गया है। इससे बड़ा दुखदायक घटना और क्या हो सकती है। जिस महाप्रभु के लिए रथ यात्रा हो रहा है, उनके प्रति ही ऐसा अन्याय किया जा रहा है।
महाप्रभु जी के आभूषण सुरक्षित है या नहीं, उस पर भी मुझे संदेह हो रहा है। साथियों, इन पांच घटनाओं से यह प्रमाणित होता है कि 600 सालों पूर्व पंचसखाओं ने अपने ग्रंथों के माध्यम से जो कहा था वो सत्य हो रहा है। अर्थ, महाप्रभु जगन्नाथ पूरी धाम को त्याग कर चुके हैं, केवल नाम मात्र के लिए उनका प्रतिमा उपस्थित है। पापियों के विनाश के लिए कल्कि अवतार का रूप धारण कर चुके हैं। जय जगन्नाथ, जय पंचसखा, जय हिंद।